The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ थाना खरखोदा क्षेत्र के पीएसी की दीवार के पीछे झुग्गी झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते लगभग 30 से 40 झुग्गी जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची लगभग 7 दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, थाना खरखोदा क्षेत्र के बाईपास रोड पीएसी की दीवार के पीछे लगभग 70 झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जिसमें पन्नी चुगने वाले बंगाली रहते हैं। आज रात लगभग 2:15 पर अचानक झुग्गियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। लगभग आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस और तभी घटना की सूचना पुलिस ने दमकल विभाग को दी। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंची, वे भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंची और सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया साथ ही दमकल विभाग के सीओ भी पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लगभग 30 से 40 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस घटना में जानहानि नहीं हुई, लेकिन गरीब पन्नी चुगने वालों की सारी मेहनत की कमाई जो इकट्ठी की हुई थी वो जलकर खाक हो गई। सीओ अरविंद कुमार चौरसिया ने झुग्गी वासियों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए सीओ दमकल विभाग ने इस बारे में क्या कहा। ये जो आपकी घटना हुई है, क्या मामला हुआ है पूरा? ये 44 बटालियन बीएसी के पीछे थाना खरखोदा अंतर्गत एक मैदान में एक झुग्गी झोपड़िया लगा के लोग रह रहे थे और उसमें से किसी कारण से आग लग गई थी। आग लगने की सूचना ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां पहुंच करके इस पर आग को कंट्रोल करके कोई जीवहान नहीं हुई है। सर, ये आग लगने का कारण क्या? आग लगने का कारण अभी जाँच की जा रही है, उसके बाद बताएंगे। सर, कितनी झुग्गी जली होंगी अभी उसके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट प्राइड टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।